हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। फ्रेंड्स KRK और सलमान के बीच में जो है फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एक महीने से जो विवाद चल रहा है, यहीं तक नहीं, सलमान खान ने जो है इस पे KRK पे जो है केस भी कर दिया। बट फ्रेंड्स आप जानते हो ये चूतिया चमन अपने जो है हरकतों से सुधरने वाला नहीं है। फ्रेंड्स परसों यानी कि 26 जून को जो है अर्जुन कपूर का जो है बर्थडे था। फ्रेंड्स अर्जुन कपूर के बर्थडे पर जो है इन्होंने अर्जुन कपूर को कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई देते हुए जो है एक बहुत ही घटिया जो है इन्होंने ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट पे, और वो फ्रेंड्स ये है कि इन्होंने ये कहा कि भाई बॉलीवुड का असली टाइगर सलमान नहीं बल्कि तू है, तूने जो है चोर के घर से जो है चोरी करके जो है मलाइका अरोरा को ले आया, तो इसलिए जो है बॉलीवुड का असली टाइगर रियल टाइगर सलमान खान नहीं बल्कि तू है यानी कि अर्जुन कपूर। फ्रेंड्स वहीं इतना ही नहीं, बंदे ने ये भी कहा तेरे में गुर्दा है, तेरे में वो जिगरा है जो कि हर किसी के पास नहीं होता, खास करके बॉलीवुड में किसी के पास नहीं है वो चीज़ जो चीज़ तेरे पास है, क्योंकि तूने शेर के पंजे से जो है अपना शिकार छीन लाया। यानी कि फ्रेंड्स ये सब जो है इसने सलमान खान को ताना देते हुए जो है ये सारी बातें कही हैं। वहीं फ्रेंड्स आपको क्या लगता है ये विवाद जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा या फ्रेंड्स ये आगे चलने वाला है? क्योंकि फ्रेंड्स आप भी जानते हो KRK एक ऐसा पगला इंसान दुनिया का जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आने का, लगातार कंटिन्यू जो है एक पे एक कमेंट करते जा रहा है, क्यों? सलमान खान को गुस्सा दिलाने के लिए कि वो ज़्यादा जो है गुस्से में आए और फिर जो है कोई गलत कदम उठाए इस वजह से। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है ये सलमान को बदनाम करने के लिए जो है ये सारी हरकतें कर रहा है या फिर ये जो है मेंटली डिसऑर्डर हो गया है इसको जो उल्टी सीधी हरकतें ऐसे सोचती रहती है, एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।